एक बात क्या हुआ कि एक बच्चे की 16 महीने बच्चे की हार्ट फंक्शन अचानक से काम करना बंद कर दिया था। तब क्या हुआ कि ये जो तुम स्क्रीन पर देख रहे हो ये आर्टिफिशियल हार्ट है, अरे इस हार्ट को लगा कर उस बच्चे के अंदर ब्लड पम्पिंग किया गया था। मतलब 13 दिन तक उस बच्चे जिंदा था इस हार्ट की वजह से। उसके बाद उसकी हार्ट मिल गई। और एक घटना ना देखा जाए तो इटली में हुआ था। और देखा जाए तो आजकल इंसान बहुत एडवांस लेवल पर चले गए ना सब लोग देखा जाए तो। जब हार्ट ना मिले उस बच्चे की तो 13 दिन तक इस आर्टिफिशियल हार्ट में ही काम चलाना, दैट्स वेरी अमेजिंग। नंबर 10, ये जो F1 ये जो कार होती है ना, यहाँ पर तो बैठने के लिए बहुत कम पेस होती है, फिर भी ड्राइवर किससे बैठते होगा, ड्राइविंग करता होगा। देखा जाए तो ये कार के अंदर ना ड्राइवर बैठे नहीं होते, वो इससे लेटे रहते हैं इस तरह से। इस कार पर ना बहुत कम पेस होते हैं इसलिए वो इससे लेटे रहते हैं इस कार के अंदर। नंबर 9, ये जो मिस्टर बीन है ना, जो आपका हमारा सबका बचपन में फैन हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने आज तक की बात करें, अब तक की तो इन्होंने सिर्फ 15 एपिसोड ही बनाया है। और बात करें तो ये तुम देख भी सकते हो, ये बुरे को पस करके तुम पढ़ भी सकते हो, सिर्फ 15 एपिसोड ही इन्होंने बनाया है। नंबर 8, ये जो पेंगुइन होता है ना, उसका पैर बहुत छुटकू लगता है ना, बहुत छोटा छोटा ऐसा लगता है। हाँ मगर एक्सरे देखे तो ये देखो एक्सरे पर उसका बड़ी कैसा है, उसका पैर कितना लंबा लंबा है, उसका घुटना भी है, उसका कितना पैर देखते तो कितना लंबा है, लेकिन हम वैसे देखने से ना बहुत छोटा छोटा लगता है। ऐसा किस लिए लगता है, वो बहुत ना थुलथुला होता है उसका बड़ी, मतलब बहुत थुलथुला बड़ी, इसकी वजह से वो ऐसा लगता है हमें देख कर, बहुत छोटा छोटा पैर जैसा। नंबर 7, आप लोगों ने तो ये एक्टर जयवीर वोटेट को जानते होंगे, और इनको ना एक बीमारी था, उस बीमारी का नाम था मार्फन सिंड्रोम। और इस बीमारी ऐसा होता था कि जो जेनेटिकल डिसऑर्डर, और इस बीमारी जिसको होते थे ना वो बहुत लंबा तो होते थे, उसके साथ साथ उसके हाथ पैर बहुत लंबा लंबा होते थे। और ये ना देखा जाए तो बहुत ही लाइफ में बहुत सक्सेसफुल इंसान है जो कि जयवीर वोटेट। नंबर 6, डिडेस्कालिनोफोबिया, एक ऐसा फोबिया है जो कि फियर ऑफ गोइंग स्कूल, क्योंकि बच्चे ना स्कूल जाने के लिए बहुत डरते हैं। ऐसा तो देखा जाता है कि बहुत सारी ऑलमोस्ट बच्चे में जो होते हैं ना उनमें पाया जाता है, क्योंकि सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे जो छोटे छोटे टाइम पर वो स्कूल जाने के बहुत बच्चे डरते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि 8-9 के होते हैं फिर भी वो ना स्कूल जाने के लिए डरते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि इसे डिडेस्कालिनोफोबिया हो गया, ऐसे बहुत लोग कहते हैं। नंबर 5, ये जो तुम देख रहे हो इससे कहते हैं द मास्टर पीसेस क्यूब। और आपने तो देखे होंगे जो रूबिक क्यूब्स होते हैं ना वो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं इस तरह के। और ये जो क्यूब है ना, ये मास्टर पीसेस क्यूब, ये दुनिया के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव क्यूब में से एक है। और आप इसके प्राइस पे देख सकते हो $2.5 मिलियन है। और इसको बनाया गया था 1995 में, और इसको डायमंड कटर इंटरनेशनल के द्वारा इसको बनाया गया था इस क्यूब को। 4, ये 2010 की बात है, लेडी गागा ने ये एक बार क्या किया कि MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड में इन्होंने ना पूरा मीट से बना हुआ ड्रेस, पूरे कच्चे मीट से, मतलब रियल मीट से बना हुआ ड्रेस वो पहन कर आई थी। और ये जो ड्रेस है ना रियल मीट से बना हुआ है, और अब तक भी ये ड्रेस को सेफली रखा गया है, दैट्स वेरी गजब। नंबर 3, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और एक रिसर्च कंपनी ने मिलकर 2010 पर एक गैजेट बनी थी, ये जो गैजेट, और इसे कहते हैं आर्टिफिशियल ट्री। और जो ट्री है ना ये कार्बन ऑक्साइड को वो ले लेगा उसके अंदर और एयर को क्लीन करके बाहर छोड़ेगी। ये इतना साल हो गया इसे बना के फिर भी इसे बढ़ावा इसे दिया नहीं गया है, इससे क्योंकि ये जो बनाने में ये आर्टिफिशियल ट्री बनाने में बहुत खर्चे आते हैं, इसकी वजह से इसे नहीं किया गया है। मतलब इस देख के पता चलता है कि इन्वायरमेंट के बारे में कितना चिंता है लोगों को। नंबर 2, ये जो एयरफोन होते हैं ना ये बहुत महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू ईयरफोन। और ये जो बाहर से तो नॉर्मल दिखते हैं लेकिन जो अंदर का जो होता है ना वो यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी का बहुत कुछ सामान ऐसे लगा रहता है, मतलब लगाया हुआ है यहाँ पर, इसकी वजह से ना ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इसकी वजह से ना साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा होता है और इसकी नॉइज कैंसिलेशन भी बहुत अच्छी रहती है। ये तुम देख सकते हो कितना सारा सामान यहाँ पर लगा रहता है इसके अंदर, इसकी वजह से ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। नंबर 1, ये जो तुम देख रहे हो इसका नाम है लैटिफोरस, एक मशरूम होता है और ये जंगलों में ज़्यादातर पाया जाता है। ये जो मशरूम होता है ना इसका टेस्ट हम बोले तो जो चिकन होता है ना चिकन की तरह बिल्कुल होता है, और ज़्यादातर लोग चिकन नहीं मिलने से ना ये खाते हैं लैटिफोरस मशरूम, चिकन की जगह पर इसे खा जाते हैं। क्या करें, नहीं मिले तो कुछ भी तो खाना पड़ेगा ना। ये जो आप लोग पार्किंग देख रहे हो, जो कार पार्किंग,
जो ज़्यादातर गाड़ी निकलने में ना इस पार्किंग में से बहुत थोड़ी जगह चाहिए स्पेसिफिक। अरे ये जो तुम पार्किंग देख रहे हो, ये जापान का डिसिप्लिन पार्किंग है, कार पार्किंग है। अरे ये देखो, आराम से एक गाड़ी ना पीछे करके वो जा सकती है, आराम से वो गाड़ी निकाल सकती है इस पार्किंग टू कंपेयर करा जाए तो। अरे इससे पार्किंग ना होना चाहिए बहुत सारी जगह में इसे देखा जाए तो। लेकिन आपको वीडियो कैसे लगा, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना।